सो गाइज, आज के टाइम पे सोशल मीडिया कौन नहीं इस्तेमाल कर रहा है। हर कोई बंदा सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हर कोई आदमी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। खासकर कि हमारी यूथ जनरेशन जो है वो आजकल आपको लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी मिलेगी, कहाँ पे बिजी मिलेगी, मोबाइल के ऊपर। मोबाइल में कहाँ पर, सोशल मीडिया के ऊपर। आप अपने आसपास लोगों को जब ऑब्जर्व करते हो तो आप हर किसी को देखते हो कि लोग स्मार्टफोन में घुसे पड़े हैं। यहाँ तक कि कोई कहीं पे बैठा हुआ भी है, पब्लिक प्लेस में भी है, तो वो फ़ोन निकाल कर अपना सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। तो आज के टाइम पे हमारा जो यूथ है सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि अपना 50% टाइम मैं अगर बोलूँ तो वो अपना सोशल मीडिया के ऊपर ही स्पेंड कर देता है। और अगर आप भी उन लोगों में से एक हो तो आपके लिए बड़ी ही मस्त वीडियो होने वाली है ये, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप यही सोशल मीडिया का उपयोग करके, जहाँ पे आप अपना 40-50% टाइम अपना सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हो फालतू की इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के चक्कर में, वही आप टाइम वहाँ पर स्पेंड करके आप पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, पैसे बना सकते हो आप यही टाइम स्पेंड करके। क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एंड जो लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जिन लोगों को अच्छे से पता है, तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूँ। सोशल मीडिया से किस तरह से पैसे कमाने हैं ऑलरेडी अगर आपको पता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आपको नहीं पता है, आप सिर्फ सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड ही करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो दमदार होने वाली है एंड आपके लिए ये प्रॉफिटेबल वीडियो साबित होने वाली है। तो देखो भाई, सोशल मीडिया पे आप जब जाओगे तो आपको वहाँ पे दो तरह के लोग मिलेंगे। नंबर वन, जो मेरे और आपके जैसे हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ जाते हैं वहाँ पर अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए या कुछ देखने या कुछ सीखने के लिए, मतलब वहाँ पर वो जा रहे हैं अपना कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, किसी और के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। और दूसरे लोग जो होते हैं वो क्रिएटर होते हैं, वो कंटेंट देते हैं। जैसे मान लो मुझे कुकिंग सीखनी है, मुझे कुकिंग नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, वहाँ पे रेसिपी देखूँगा, जो भी मुझे सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, उसकी मुझे रेसिपी देखनी है, और उसके बाद मैं वो चीज़ करके मैं अपनी सब्जी बनाना सीख लूँगा या दाल बनाना सीख लूँगा। तो ये चीज़ हुआ क्या, मुझे कॉन्टेंट चाहिए था, मुझे रेसिपी किसी सब्जी की पता करनी थी, तो वो मैंने पता लगा ली इंटरनेट से या गूगल से या यूट्यूब से, ठीक है। लेकिन गूगल पे जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या यूट्यूब पे जो बंदे ने वीडियो बना रखी है, वो बंदा है एज ए क्रिएटर पैसे कमा रहा है। किस तरह से पैसे कमा रहा है उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, बट यहाँ पे अल्टीमेटली समझने वाली चीज़ ये है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर दो लोग आते हैं, एक वो लोग जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं और दूसरे वो लोग जो कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं या कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर जिनको बोलते हैं। तो गाइस, मुद्दे की बात ये है, अगर आपको सोशल मीडिया से पैसे कमाने हैं तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। आप जो कंटेंट कंज्यूमर बने पड़े हैं, यानी कि कंटेंट को जो कंज्यूम कर रहे हैं, वहां से निकलकर आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा। जी हाँ, अगर मैं ये एक लाइन में बोलूं कि अगर आपको यूट्यूब या ब्लॉगर या कुछ भी बनना पड़े तो गलत नहीं होगा ये वर्ड, क्योंकि आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जैसे मान लो मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे सब्जी बनाना नहीं आ रहा था, तो मैंने किसी की वीडियो देखी और वहाँ से उस बंदे ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की एंड देन उसने पैसे कमाए। डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ तो मेरे से फ़ायदा हुआ ही होगा, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो देखी या कुछ भी किया, तो उसको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ ही है मेरे से। तो गाइस, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि आपको अब क्रिएटर बनना पड़ेगा। अब आप बोलोगे, यार मैं कैसे क्रिएटर बन पाऊँगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ सोशल मीडिया पर या क्या नहीं कर सकता हूं, ये सब मुझे पता नहीं है। तो भाई मेरे, सुनो मेरी बात, अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, ठीक है, जैसे अगर आप किसी को खेलना सिखा सकते हो, किसी को मतलब जो भी आप कुछ भी सिखा सकते हो, चाहे वो मैथमेटिक हो, इंग्लिश हो, कुछ भी आप सिखा सकते हो इंटरनेट के ऊपर, वो अब आपको रिसर्च करना है, क्योंकि अब आपको पैसे कमाने हैं यहां से, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या सिखा सकते हो, ठीक है। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देखो पैसे कमाने का ना ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप किसी की प्रॉब्लम पकड़ो और उसको सॉल्व कर दो, अब जितनी बड़ी वो प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा आपको पैसा मिलेगा। जैसे अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी, अगर आप ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हो कि बेरोजगारी किस तरह से खत्म हो सकती है, तो आप दबाकर पैसा कमाने वाले हो। तो मुद्दे की ये बात है कि आपको एक नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी नीश में आप एक्सपर्ट हो या आप जिस भी नीश में
घुसना चाहते हो वहाँ पे पहले स्टडी करना शुरू कर दो, उसके बारे में सीखना और समझना शुरू कर दो। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरे पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं दूंगा क्या। भाई मेरे ज्ञान आप बचपन से लेकर नहीं घूमते हो, आप ज्ञान को कंज्यूम करो उसके बाद प्रोड्यूस करना शुरू करो। मतलब आप जिस चीज़ के बारे में सीखना सिखाना चाहते हो उसके बारे में खुद पहले सीखो एंड देन उसको सिखाओ। बस यही आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। लेकिन सबसे पहले आपको नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी नीश पे जाना है, कौन सी कैटेगरी पे जाना है। या तो आप कुकिंग पे जाना चाहते हो, गेमिंग पे जाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते हो, या फिर अर्निंग वाले सेक्टर पे आना चाहते हो। कौन से सेक्टर पे आप आना चाहते हो वो आपको पहले चूज करना पड़ेगा, किसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या करना पड़ेगा आपको, वो सब आपको चूज करना पड़ेगा। अब जब आपने एक नीश चुन ली कि हाँ भाई मेरे को गेमिंग में जाना है या फिर कुकिंग में जाना है, यहाँ पर मेरे को एक अच्छा स्कोप दिख रहा है या फिर यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे कंटेंट दे पाऊंगा, तो अब आपको उस नीश को पकड़ के कंसिस्टेंटली काम करना है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फेमस है यूट्यूब, यूट्यूब पे हर कोई यूट्यूबर बनता फिर रहा है, तो आपको यूट्यूब को पकड़ लेना है, फेसबुक को पकड़ लेना है, और जो भी मोटा मोटी जो फेमस प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम हुआ, यहाँ पर आप पकड़ कर एक अपना कॉन्टेंट डाल सकते हो। वैसे मैं अभी तीनों के ऊपर आऊँगा एक एक करके, लेकिन अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक क्रिएटर बनना पड़ेगा। अगर आपने क्रिएटर बनने की ठान ली है तो अब वीडियो को आप कंटिन्यू करो आगे। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं क्रिएटर नहीं बन पाऊंगा तो वीडियो आपके लिए नहीं है आगे, आप यहीं से बंद करके साइड हो जाओ, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है एक क्रिएटर के काम का ही इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस जब आपने एक नीश चूज कर लिया, आपने ठान लिया कि अब आपको क्रिएटर बनना है, तो अब आपके पास मोटा मोटी तीन जो फेमस प्लेटफॉर्म है उस पे अब आपको अपना काम करना है। नंबर वन यूट्यूब, नंबर टू फेसबुक और इंस्टाग्राम, तीनों के ऊपर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से क्या कर सकते हो। देखो यूट्यूब के ऊपर आपको क्या करना है, वीडियोस बनानी है, वीडियोस आपको बनाकर डालनी है। यहाँ पर जिस भी नीश को आप सेलेक्ट करोगे उस पर आप वीडियोस बनाकर डालना शुरू करोगे। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार आपको वहाँ पे वीडियो डालनी है। आप 90 दिन का चैलेंज ले सकते हो स्टार्टिंग पीरियड में, क्योंकि आपके पहले 30 दिन तो सिर्फ आपको इसी चीज़ को सीखने में चले जाएंगे, वीडियो बनाते कैसे हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, SEO कैसे करते हैं, रैंक कैसे करते हैं, यही सारी चीज़ सीखने में आपका पहला महीना जाने वाला है। दूसरे जो 60 दिन आपके आएंगे उसमें आप सीख जाओगे कि किस तरह से व्यूज़ आते हैं, किस तरह से वॉच टाइम होता है, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें वो आपको समझ में आनी शुरू कर दो हो जाएगी। और जब तीसरा महीना आपका चलेगा यानी कि पहले 60 दिन जब निकल जाएंगे, लास्ट के 30 दिन में आपकी कोई ना कोई वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से अर्निंग होगी। अब जब आपका एक चैनल स्टेबल हो जाएगा तो अब आपको 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट रहेगी और साथ के साथ 4000 घंटे के वॉच टाइम की जरूरत रहेगी। किस चीज के लिए जरूरत रहेगी, पैसा बनाने के लिए इस चैनल से। अब जब आपका ये कैटेगरी पूरी हो जाती है यानी कि जब 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, फिर आप यहां से पैसे बना सकते हो इजीली। लेकिन ये गाइज आप स्टार्टिंग में, मैं आपको एक चीज क्लियर बोल देता हूं कि जब आप एज ए क्रिएटर आ रहे हो ना, तो साल 6 महीना पैसे के बारे में मत सोचना, क्योंकि जब हमारा दिमाग पैसे के पीछे चला जाता है ना तो क्वालिटी हम वहाँ पे नहीं दे पाते, क्वांटिटी के चक्कर में हम क्वालिटी नहीं दे पाते। तो वहाँ पर आपको क्वालिटी को भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते हुए रेगुलर बेसिस पे चलना है। क्वालिटी इम्प्रूव मतलब क्या है मेरा बोलने का, कि मतलब मैंने जो कल गलतियाँ की थी वही गलतियाँ आज मुझे नहीं दोहरानी है, आज मुझे अपना बेस्ट देकर वीडियो बनानी है। उसके बाद जो दूसरा प्लेटफॉर्म आता है जो कि इंस्टाग्राम, हम लोग बहुत से बार देखते हैं, भर भर दिन आधे आधे घंटे के घंटे लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। रील्स आज के टाइम पे बहुत चल पड़ा है, तो अगर आप रील्स में बनाना चाहते हो, क्योंकि लोगों को क्या है कि छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, 30 सेकंड में, 15 सेकंड में या 1 मिनट में हार्डली उनको जानकारी लेनी होती है और फिर वहाँ से हट जाए, फिर स्क्रॉल कर लो, तो आप रील्स बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको डांसिंग ही आना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मुजरा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उस बंदे के पास डांसिंग की स्किल्स है या उस बंदी के पास डांसिंग की स्किल्स है, तब वो डांस कर रही है, आपको एंटरटेन कर रही है। अल्टीमेटली तो आप उन्हीं लोगों को देख रहे हो ना,
लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गंदगी भी फैलाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं क्या कि अपने कपड़े कम कर लेते हैं या फिर गाली गुप्ता करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। आप नॉर्मल तरीके से डांस कर सकते हो, लिपसिंग कर सकते हो, कुछ सिखा सकते हो, कुछ बना सकते हो, लोगों को अल्टीमेटली वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, देन आपकी रील वायरल होगी, आपके पेज पे फॉलोवर आएंगे। और फिर आप यहाँ पर जब आप एक अच्छे खासे फॉलोवर यानी कि आप 5, 10, 15, 50 हज़ार फॉलोवर जब यहाँ से गेन कर लोगे इंस्टाग्राम पे, तो आपको स्पॉन्सरशिप वाले आएंगे अपनी अपनी ऐप का, अपने अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाने के लिए। तो आप उनसे एक अच्छे खासे अमाउंट को चार्ज करके पैसे बना सकते हो। तो इंस्टाग्राम से पैसे बनाने का ये तरीका है। साथ के साथ आप जब रील डालोगे तो कुछ ना कुछ फीड में भी आप डालते रहोगे, ताकि आपकी इंगेजमेंट एक अच्छी खासी बनी रहे आपके फॉलोअर्स के साथ में। लाइव वगैरह आप जाते रहो, बीच बीच में स्टोरीज वगैरह अपडेट करते रहो डेली बेसिस पे। तो इससे क्या है कि आपको और आपके फॉलोवर के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होता रहेगा, यानी कि वो लोग भी कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे कमेंट में या रिएक्ट करेंगे, तो आपको भी पता लगेगा और आप भी उनको रिप्लाई करते रहोगे। अब बात कर लेते हैं फेसबुक की। नंबर 3 पे जो हमारा है वो फेसबुक है। फेसबुक पे देखो क्या है कि हम सभी लोगों के पास अपनी अपनी प्रोफाइल होती है, तो प्रोफाइल से बिल्कुल भी हम पैसे नहीं बना सकते हैं। पैसे बनाने के लिए आपको प्रोफाइल को छोड़ना पड़ेगा और पेज को पकड़ना पड़ेगा। अपना आपको एक पेज क्रिएट करना है। पेज आप नॉर्मली वहां पे जाओगे, ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप जाकर अपना पेज क्रिएट कर लो। जो आप कंटेंट डालोगे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, उसी कंटेंट को उठा के आपको फेसबुक पे डालना है। जो आप पोस्ट बना रहे हो इंस्टाग्राम के लिए, रील बना रहे हो, उसी को फेसबुक पे भी डालना। जो वीडियो आप वहां पे बनाकर डाल रहे हो, उसी वीडियो को उठाकर यहां पे भी डालना है। यहां पर आपको मोनेटाइजेशन की थोड़ी सी लंबी लिमिट है, यानी कि 10,000 सब फॉलोवर होने चाहिए आपके फेसबुक पेज के ऊपर, उसके बाद आप मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन ये भी बहुत इजीली हो जाएगा, एक आध वीडियो अगर आपकी वायरल निकल जाती है तो आराम से आपके 10,000 फॉलोवर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइज ये मेन मोटा मोटी 3 प्लेटफॉर्म है। वैसे तो प्लेटफॉर्म काफी सारे हैं, अगर मैं एक एक करके डिस्कस करने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो मैं वीडियो को खत्म करते करते आपको एक जरूरी बात बताऊंगा कि ये जो 3-4 प्लेटफॉर्म मैंने आपके पास डिस्कस किए हैं, या एक क्रिएटर बनने की जो बात की है, ये एक दिन का या एक रात का खेल नहीं है। इसको करने के लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार उस चीज़ को सीखते हुए करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ से पैसे बना सकते हो। सोशल मीडिया से लोग बोलते हैं ना कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, पैसे आ जाएंगे। एक्चुअल में ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। या फिर जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो लोगों ने एक दिन में बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाए होंगे। उन लोगों की काफ़ी पुरानी मेहनत है, काफ़ी टाइम उन्होंने स्ट्रगल किया है, तब आज वो आप लोग देखते हो ना उनकी फीड में बहुत बड़ी लग्जरी होटल में बैठे हैं, BMW में बैठे हैं, कोई ऑडी चला रहा है। तो भाई उनकी मेहनत है उस चीज़ के पीछे, आप मेहनत तो देखते नहीं हो। आपको लगता है यार फलाना इतनी मस्त लाइफ जी रहा है, काश मुझे भी मिल जाती। भाई ये काश शब्द ना आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। लास्ट में बस एक ज़रूरी बात कहूँगा कि आप कोई भी अपनी एक नीश चूज़ कीजिए। अगर आप एज ए क्रिएटर आना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो अपनी नीश सेलेक्ट करके उसके बारे में सीखना शुरू कीजिए एंड सिखाना शुरू कीजिए, और फिर पैसे कमाइए, मज़े करिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।